हम मरीच के बारे में थोड़ा जानकारी अभी लेंगे। इसको अंग्रेजी में ब्लैक पीपर बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में वो है पाइपर नाइग्रम। इसके जो फल है ये फल औषधि है और काफ़ी मात्रा में ये औषधि होने के कारण उपयुक्त है। इसके जो फल है ये स्पाइस करके भी यूज़ किए जाते हैं। इसमें पाइपरिन कंटेंट है और ये बेल होती है, इसका खेती किया जाता है। इसको थोड़ा सा सपोर्ट लगता है। तो अरेका नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, कोकोनट जो है जिसको हम नारियल बोलते हैं, इसके बगीचे में इसको कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन ये जो मरीच है, ये जो ब्लैक पीपर है, इसका औषधि गुण क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी, मेरे साथ वैद्या मंदार जी है, मैं थोड़ा मंदार जी से इसके बारे में, सर औषधि बारे में क्या बोलेंगे इसके बारे में। जैसे त्रिफला सबको मालूम है, ऐसे ही त्रिकटू आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जितनी सारी दवाइयाँ बनते हैं इसमें त्रिफला त्रिकटू पड़ता है। त्रिकटू में तीन चीज़ें हैं, एक है शुंठी, दूसरी है मरीच और तीसरा है पिपली। तो ये जो मरीच है ये मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफवातजित। अब कफ की जितनी भी बीमारियाँ है, सर्दी है, हजमा कम है, पाचन ठीक नहीं है, ठंड है, ये सब निकालने के लिए मरीच बहुत काम आता है। ये बाहर से बदन को भी लगाने को त्रिकटू काम आता है। इतना ही नहीं, बहुत सर्दी हो गई तो नाक के अंदर जैसे वो छिकनी लेते हैं, ऐसा लेने के बाद भी सर्दी निकल जाती है। तो खाना खाते समय आपने देखा होगा सूप बनाते हैं, इसमें मरीच डालते हैं, काले मधु शहद के साथ लेते हैं, घी के साथ लेते हैं, एलर्जी में काम आता है। तो ठंड, जहाँ ठंड की बीमारी है वहाँ वहाँ मरीच बहुत काम करता है। कृमि में भी काम करता है, पाचन हजमा अच्छा करने के बाद कृमि भी निकल जाता है, बहुत बड़ी काम की चीज़ है। सर ये पाइपरेसी कुल का पौधा है और इसके जो स्पाइक आ जाते हैं, और जो स्पाइक आ जाते हैं स्पाइक को फल तैयार हो जाते हैं। ये जो फल होते पहले हरे होते, हरे में से एक दो पकने के बाद, लाल होने के बाद पूरा निकाला जाता है और उसको पानी में, गर्म पानी में 4 मिनट रखा जाता है। तो हमें ब्लैक पीपर उससे मिलता है, काली मरीच मिलता है, इससे व्हाइट पीपर भी मिलता है, इसको ग्रीन पीपर भी मिलता है, एक ही सोर्स है पाइपर नाइग्रम। ये जो पाइपर नाइग्रम है इसका खेती अगर करना है, इसका रोप बनाना है, तो ये जो तना है, तने का कटिंग लेके उसके ऊपर 2 या 3 नोड रखना है हमें, तो उसको रूटिंग हो जाता है, ऐसा रूटिंग हो जाता है, उसको बैग में डालना है और बैग में रोप करके हम इसका खेती कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, इसका खेती होना जरूरी। अभी खेती हमारे यहाँ मलबार कोस्ट में, कोंकण में खेती होता है, केरला में खेती होता है, तमिलनाडु में खेती होता है, कर्नाटक में खेती होता है। ये जो है मांग वाली चीज़ है। ये जो सर आपने बोला त्रिकटू है, तो ये भी मांग वाली चीज है। जैसे हमें पता है कि स्पाइसेस की भी मांग है, ये जो है इसका स्पाइस करके भी यूज होता है। ये जो पत्ते, ये भी पत्ते भी काम में आते हैं, इसका जड़ होता है वो जड़ भी काम में आता है। तो ये बहु उपयोगी हमारा औषधि पौधा है, तो जरूर इसका खेती करें। सर ये जो है खेती है, हम अभी चाहते हैं कि इसका खेती और बढ़े, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी खान पान में कोई चीज आ जाती है ना, तो उसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि दवाई या गोली स्वरूप ली जाती है, लेकिन खाना पोड़ी मतलब रोटी की, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसके जो हरे दाने आपने बात की, फ्रेश जब होते हैं कच्चे दाने, उसका अचार बनता है। और जो मेदस्वी लोग हैं, पेट बड़ा है, वजन बढ़ा है, उनको कम करने के लिए दिया जाता है दवा में। तो क्या है, उसमें थोड़ा नमक और नींबू का रस डाल दिया तो उसका अचार बन गया। तो हरी मरी भी काम कर सकते हैं, सफ़ेद मरी भी दवा में आती है, काली मरी भी काम आती है, और बहुत काम की बात है। सर मिर्ची हम बोलते हैं, मिर्च ये हमारे देश में पहले नहीं थी। हमारे अन्न पदार्थ जो है उसके स्वादिष्ट बनाने के लिए हम मरीच यूज करते थे, और उससे हमारा जो गैस है, फ्लैटुलेंस है, जो भी हमारे पेट की जो बीमारी है वो भी दुरुस्त हो जाती थी, और इसका इस्तेमाल अन्न पदार्थ में होता था। अभी मर जाने के बाद ये इसका इस्तेमाल अन्न पदार्थ में कमी हो गया है। तो सबको अनुरोध है इसका इस्तेमाल हम अन्न पदार्थ में के और अधिक स्वस्थ रहे, मरीच के बारे में अधिक जानकारी ले। ये हमारे घर में भी हम लगा सकते हैं, इसका खेती भी अच्छा होता है। जरूर आप इसका खेती करें, इसका कंजर्वेशन करें और इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।